हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या। सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मसाला ब्रेड जो फटाफट बन जाती है। मसाला ब्रेड के लिए हमको चाहिए ब्रेड, टमाटो केचप, महीन कटी हुई शिमला मिर्च, महीन कटी हुई प्याज, सेव, नमकीन सेव है ये, धनिया महीन कटा हुआ है, नमक, अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट है ये, चीनी, लौंग और दालचीनी का ये पिसा हुआ पाउडर है, चिली सॉस और पानी चाहिए हमको। ये 8 ब्रेड के पीसेस हैं, इनको हम स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। सभी ब्रेडों को हम इसी तरीके से काट लेंगे। ये सभी ब्रेड हमने काट लिए हैं। हम गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन में 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे हम 1/2 कप अनियन महीन कटी हुई और 1/4 कप महीन कटी हुई शिमला मिर्च। इसको करीब 1 मिनट तक सौते करेंगे। 1 मिनट सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। 2 से 3 मिनट के लिए इसको सौते करेंगे। प्याज हल्की हल्की गुलाबी सी होने लगी है, शिमला मिर्च भी हल्की पकने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून टमाटो केचप और 2 टेबल स्पून चिली सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून लौंग और दालचीनी का पाउडर, नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि ब्रेड में भी नमक है और सॉसेज में भी नमक है तो नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी में उबाल आने देंगे। इसमें हम डालेंगे ऑरेंज रेड कलर, थोड़ा सा 4 से 6 बूंद कलर, जरूरी नहीं है डालना। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें जो रेड है हम वो डाल देंगे। फटाफट चला, अच्छे से बस मिक्स करेंगे इसको। और गैस बंद कर देंगे। अब इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। इसमें ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए से, और जो सेब है ये हमारी मसाला ब्रेड तैयार है। थैंक यू। आज बना रहे हैं पिज्जा सैंडविच। पिज्जा सैंडविच बनाने के लिए चाहिए पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस ना हो तो आप टमाटो केचप को भी यूज कर सकते हैं,
पनीर महीन कटा हुआ, महीन कटी हुई शिमला मिर्च, कॉर्न उबली हुई या फ्रोजन कॉर्न, प्याज महीन कटी हुई, मोजरेला चीज ग्रेट की हुई, चिली फ्लेक्स, प्रोसेस चीज, कुकिंग चीज ग्रेट की हुई, मक्खन, पिज्जा सीजनिंग, नमक और ब्रेड। एक बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे कॉर्न 2 टेबल स्पून, वन टेबल स्पून शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून प्याज महीन कटी हुई, 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून के करीब, पिज्जा सीजनिंग 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अनुसार आपको जितना तीखा सैंडविच करना हो आप उस हिसाब से चिली फ्लेक्स को डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे सब चीजों को अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसी बॉल में डाल देंगे 2 टेबल स्पून प्रोसेस चीज, 4 टेबल स्पून मोजरेला चीज, 2 ब्रेड पीस लेंगे, ब्रेड के 1 पीस पर पिज्जा सॉस लगाएंगे, आप चाहें तो दोनों पीस पर भी लगा सकते हैं। ये घर की बनी हुई पिज्जा सॉस है, आप चाहें तो मार्केट से ला करके भी पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं। पिज्जा सॉस की रेसिपी देखने के लिए ऊपर आई पर क्लिक करके देखें, और जो फिलिंग बनाई है उस फिलिंग को पिज्जा सॉस के ऊपर रख देंगे। ये सैंडविच बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चे स्कूल से आए फटाफट उनको 5 मिनट में बना के दिया जा सकता है ये सैंडविच। इस तरीके से दूसरी ब्रेड को ढक देंगे, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे, बहुत ज्यादा बटर लगाने की जरूरत नहीं है, सैंडविच टोस्टर गरम हो गया है। अब सैंडविच को जो मक्खन की साइड है उसको नीचे की साइड इस तरीके से करके रख देंगे, और ऊपर की साइड भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे और सैंडविच को सेक लेंगे। सैंडविच को एक बार पलट देंगे, चीज मेल्ट हो जानी चाहिए और ब्रेड ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए। सैंडविच सिककर के तैयार है, सैंडविच को सैंडविच टोस्टर से निकाल लेंगे। और कट करेंगे सैंडविच को। अब चीज अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा चीज चाहिए तो आप ज्यादा चीज भी डाल सकते हैं। पिज्जा सैंडविच तैयार है। पुरानी वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इधर क्लिक करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। आज बना रहे हैं शेजवान फुटलॉन्ग। शेजवान फुटलॉन्ग बनाने के लिए चाहिए 150 ग्राम पनीर ग्रेट किया हुआ, हॉट डॉग बर्गर
ग्रेट की हुई प्रोसेस्ड चीज हाफ कप, हाफ कप शिमला मिर्च महीन कटी हुई, टमाटो केचप हाफ कप महीन कटी हुई, प्याज, ऑरेंज रेड कलर ऑप्शनल है, मक्खन, नमक और शेजवान सॉस। गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे, फ्राई पैन में डालेंगे बटर 1 टेबल स्पून के करीब। आप बटर की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बटर जब हल्का सा मेल्ट होने लगेगा तभी डाल देंगे प्याज। प्याज मिक्स करने के बाद साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च। और करीब 2 मिनट तक सौते करेंगे जिससे कि शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और प्याज भी हल्की सी गुलाबी सी हो जाए। करीब 1 मिनट सौते करने के बाद नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। चीज में भी नमक होता है, टमाटो केचप शेजवान सॉस सभी में नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे और फिर से 1 मिनट तक सौते करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से सौते हो गई है। 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस डाल देंगे। अगर आप तीखा कम खाना चाहते हैं तो शेजवान सॉस थोड़ी सी कम कर दें, और अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो शेजवान सॉस और ज़्यादा कर दें। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के साथ ही पनीर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ। गैस को मीडियम स्लो कर देंगे और मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद 2 टीस्पून टमाटो केचप डालेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर डालेंगे। कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहें तो ना डालें। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। होममेड शेजवान सॉस है, अगर आप शेजवान सॉस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई पर क्लिक करके देखें। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। गैस को बंद कर देंगे, फिलिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे। एक हॉट डॉग लेंगे, उसको बीच में से कट करेंगे। हाफ तक कट करेंगे, पूरा फुल कट नहीं करेंगे। कट करने के बाद जो कट वाला पोर्शन है उसको निकाल देंगे इस तरीके से। नीचे से ब्रेड प्लेन रहनी चाहिए। इसी तरीके से सभी हॉट डॉग को कट कर लेंगे। इस तरीके से सभी हॉट डॉग कट कर लिए हैं। सभी हॉट डॉग को कट करने के बाद समय थोड़ी थोड़ी सी टमाटो केचप लगा देंगे। बहुत ज़्यादा टमाटो केचप ना लगाएं, नहीं बहुत मीठा मीठा लगेगा। हल्की हल्की सी चारों तरफ से टमाटो केचप लगा देंगे। ओवन को 180°C पर प्री हीट करने के लिए ऑन कर दें। सभी में सॉस लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल देंगे सब में अंदर की तरफ हॉट डॉग में। चीज़ भरने के बाद जो स्टफिंग बनाई है उसको भरेंगे।
स्टफिंग भरने के बाद ऊपर से थोड़ी सी चीज और डालेंगे। हॉट डॉग को प्रीहीटेड ओवन में 5 से 6 मिनट के लिए बेक करेंगे या चीज के मेल्ट हो जाने तक बेक करेंगे। हॉट डॉग तैयार हो गए हैं। हॉट डॉग को ओवन में से निकाल लेंगे। चीज मेल्ट हो चुकी है। आप चाहें तो हॉट डॉग को हाफ करके भी सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से शेजवान फुट लॉन्ग तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड के लिए हमको चाहिए मोजरेला चीज़ ग्रेट की हुई, प्याज महीन कटी हुई, ब्रेड, मक्खन, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, पिज़्ज़ा सीजनिंग, गार्लिक क्रश्ड किया हुआ या पिसा हुआ, नमक और लाल मिर्च महीन कटी हुई। अब हम ब्रेड को एक कटोरी या किसी सांचे, गोल सांचे की सहायता से गोल काट लेंगे। इस तरीके से सभी ब्रेडों को हम काट लेंगे। ये हमारी सभी ब्रेड कट करके तैयार हो गई हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब बटर लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून गार्लिक मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे, चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है गार्लिक बटर में। अब हम एक ब्रेड का पीस लेंगे। उसके ऊपर जो हमने गार्लिक डाल करके बटर बनाया है उसको लगा देंगे। इसी तरीके से सभी ब्रेड पर हम बटर को लगा देंगे। हमने सभी ब्रेडों पर बटर लगा दिया है गार्लिक वाला। अब हम ब्रेड को एक बेकिंग ट्रे में लगाएंगे। सभी ब्रेडों को हमने बेकिंग ट्रे में लगा दिया है। अब हम ब्रेडों के ऊपर डालेंगे थोड़ी थोड़ी मोजरेला चीज़। हमने सभी पर चीज़ लगा दी है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी प्याज, 2-2 4-4 पीस महीन कटी हुई प्याज है। ये रेड चिली है कटी हुई महीन, 1-2 पीस हम इस पर डाल देंगे। आप इसकी जगह ग्रीन चिली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर डालना चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब हम 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट ओवन में गार्लिक ब्रेड को बेक करने के लिए रख देंगे। ओवन में हम बेक करने के लिए रखेंगे। अभी चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ब्रेड थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी तभी हम गार्लिक ब्रेड को निकाल लेंगे। ये हमारी गार्लिक ब्रेड सिक करके तैयार हो गई है। हम निकाल लेंगे। तो हम गार्लिक ब्रेड को एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये हमारी झटपट गार्लिक ब्रेड तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।